आज मैं यार आपको बताने वाला हूँ कि रमेश सिंह की जो बुक है इकोनॉमी की और जो नितिन सिंघानिया की बुक है इकोनॉमी की, तो आखिर उन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है और आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको क्या लेना चाहिए। क्योंकि यार मैंने दोनों बुक पढ़ा है। शुरुआत मैंने किया था तो रमेश सिंह से किया था, लेकिन बाद में मैंने स्विच कर लिया नितिन सिंघानिया पर, और उसके बाद से लगभग अभी तक मैं नितिन सिंघानिया तो पूरी ही पढ़ी है। और अब जब एडिशन ये फोर्थ न्यू आया है तो मैंने ये वाली बुक भी मंगवाई है, और ये वाली बुक भी प्रीलिम्स के पहले थोड़ा पढ़ा था, इससे करंट अफेयर के कंटेंट। तो यार आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, रमेश सिंह ज़्यादा बेटर है या नितिन सिंघानिया ज़्यादा बेटर है। तो यार बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको मैं एक एक करके सारे डिफरेंस भी बताऊंगा कि आखिर रमेश सिंह में क्या डिफरेंस है और नितिन सिंघानिया में क्या डिफरेंस है, और जो पॉइंट यहाँ पर फेवरेबल होंगे वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो पहले यार ये रमेश सिंह की बुक है, तो ये अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये रमेश सिंह की बुक है, और ये जो एडिशन थी यार ये 2021-22 की एडिशन थी। तो मैंने शुरुआत में जब पढ़ना चालू किया था तो रमेश सिंह की बुक भी मैंने पढ़ी थी। तो अगर मैं इसके अंदर आपको चैप्टर दिखा दूं तो देखो, चैप्टर तो हर साल आप अगर इस साल की एडिशन लोगे ना तो कुछ ना कुछ इसमें न्यू आ गया होगा। तो चैप्टर हर साल कुछ ना कुछ ऐड होते हैं, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसका इंडेक्स है। लेकिन अगर मैं आपको एक गाइड बताऊं या अगर मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर के मटेरियल कैसे हैं, तो देखो सबसे पहले हम इसका स्टार्ट करते हैं, इसके चैप्टर पर जाता हूं। जैसे ये यहां पर इसका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो रमेश सिंह ना, अगर मैं आपको बताऊं ना, रमेश सिंह जो बुक है वो जनरली ना मेंस के लिए काफी बेटर है। कि अगर आप मेंस की नोट्स बनाना चाहते हो ना, ये मेंस के आपको पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं, तो उसके लिए ना रमेश सिंह की बुक काफी अच्छी है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैंने पढ़ी थी पहले। तो इसमें ना जो भी कुछ लिखा होता है ना, इसमें एक अंतर बस ये है कि ज्यादातर चीजें ना पैराग्राफ में लिखी होती हैं, और मैक्सिमम ना इसमें डेटा के ऊपर कुछ थोड़ा ज्यादा जोड़ होता है। जैसे अगर आप ये टॉपिक देख रहे हो तो यहाँ टॉपिक के नीचे देखो, यहाँ पर पॉइंट वाइज में सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, ये इनमें डेटा के वो दे रखे हैं कि आखिर डेटा का सोर्स क्या है। तो रमेश सिंह जो बुक है ना, इसके अंदर डेटा का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसमें डेटा को ज्यादा बताया गया है थोड़ा, रमेश सिंह की जो बुक है इंडियन इकोनॉमी की, और थोड़ा पैराग्राफ फॉर्मेट में है। अगर आप पढ़ते हो तो जैसे आप नॉवेल पढ़ते हो ना, उस तरीके से ये पॉइंट वाइज है तो जरूर, लेकिन इसके अंदर के ना पैराग्राफ के लाइनें थोड़ी ज्यादा लिखी हैं। तो अगर मैं कहूँ ना, मेंस के प्रोस्पेक्टिव से ये थोड़ा ज्यादा बेटर हो जाता है, ये वाली जो रमेश सिंह की आप बुक देख रहे हो यहाँ पर। लेकिन अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ ना, तो क्वालिटी तो काफी अच्छी है रमेश सिंह की भी, क्योंकि यार काफी वेल नोन पब्लिकेशन की बुक है, और रमेश सिंह जो बुक है वो यूपीएससी में काफी पहले से ही फेमस है। लेकिन अभी हुआ क्या था कि कुछ साल पहले, ये अभी बस 3-4 साल हुए हैं नितिन सिंघानिया का इकोनॉमी का बुक आए हुए, लेकिन उतने ही साल में ना नितिन सिंघानिया भी काफी फेमस हो गई है। तो ये आप देख सकते हो रमेश सिंह वाला जो मैंने आपको दिखाया। और उसी तरीके से अगर मैं आपको कोई और चैप्टर दिखाना चाहूं, जैसे एक काफी फेमस चैप्टर होता है इन्फ्लेशन, तो आप देख सकते हो यहां पर इन्फ्लेशन के किस तरीके से यहां नोट्स मतलब दे रखे हैं रमेश सिंह में। देखो डेटा का ना काफी इस्तेमाल किया गया, सोर्सेस का इस्तेमाल किया गया कि ये वाली चीज कहां पर आई थी, पब्लिशर वगैरह का। तो यहां पर देख सकते हो इन्फ्लेशन के जो टाइप्स वगैरह होते हैं ना, कौन कौन से, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाते हैं, और डिमांड पुल इन्फ्लेशन वगैरह आप यहां देख सकते हो। कि पहले तो इसके मेंस के प्रोस्पेक्टिव से बता रखा है कि ये चेंज कैसे हुआ, कि 1970 से पहले की क्या बात थी या पोस्ट 1970 क्या बात हुई। उसके बाद यहां पर मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन, कि आखिर हमें इन्फ्लेशन को चेक कैसे करना चाहिए, ये इन्फ्लेशन को हमें ठीक कैसे करना चाहिए। फिर उसके टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर टाइप्स समझा रखा है, लो इन्फ्लेशन कैसे होता है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है। तो अगर यहां पर आप देखो ना, तो चीजें ज्यादातर ना पैराग्राफ में आपको दिख रही होंगी, कि जो भी टॉपिक यहां पर दे रखा है वो सारी की सारी जो चीजें है ना वो पैराग्राफ फॉर्मेट में ज्यादा है। तो अगर आप रमेश सिंह पसंद करते हो, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा पैराग्राफ में पढ़ना, या फिर अगर आप ऐसा चाहते हो कि आप पैराग्राफ में ज्यादा कंफर्टेबल हो पढ़ने में, तो आप रमेश सिंह की बुक ले सकते हो, और ये मेंस के लिए भी काफी बेहतर है। लेकिन अब अगर मैं आपको नितिन सिंघानिया दिखाऊं, और यार नितिन सिंघानिया एक्चुअली में वो बुक जो है नितिन सिंघानिया ना, वो मैंने पूरी पढ़ी है। तो देखो यहां पर ये जो है वो नितिन सिंघानिया की बुक है, और ये एडिशन जो था ये वाला आप देख सकते हो यहां पर, सेकेंड एडिशन था 2021-22 का। और अभी जो मैंने मंगवाया था न्यू बुक प्रीलिम्स के पहले, जो फोर्थ एडिशन आया था 2023-24 का, तो ये वाली जो नितिन सिंघानिया है ना, ये तो मैंने पूरी पढ़ी है, ये पूरी बुक मैंने पढ़ी है। तो अभी मैं आपको इसमें रिव्यू दूंगा और इसमें बता रहा हूं कि ये आखिर अंदर से बुक कैसी है। तो देखो सबसे पहले अगर आप चैप्टर्स की बात करो ना, तो जिस तरीके से चैप्टर रमेश सिंह के अंदर है ना, उसी तरीके से इसके अंदर भी चैप्टर्स है। मतलब रमेश सिंह और
नितिन सिंघाने के बीच में कोई चैप्टर्स का ना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उनके अंदर के कंटेंट भी मतलब लगभग सेम ही होते हैं, क्योंकि यार हर बुक में कंटेंट और काफी बेस्ट बुक है। लेकिन नितिन सिंघानिया बुक की ना मुझे एक चीज काफी अच्छी लगी जो आपको मैं यहां दिखाना चाहूंगा। देखो जैसे आप जो भी चैप्टर पढ़ते हो ना, जैसे देखो पहला चैप्टर है नेशनल इनकम, तो यहां पर ना हर एक चीज जो है ना वो पॉइंट फॉर्मेट में है। देखो आप अगर ये टॉपिक देख रहे हो नेशनल इनकम, तो जो भी है ना वो पॉइंट में है। तो अगर आप पॉइंट पढ़ना पसंद करते हो तो आपके लिए नितिन सिंघानिया अच्छा रहेगा, और अगर आप पैराग्राफ पढ़ना पसंद करते हो तो आपके लिए रमेश सिंह अच्छा होगा। अब नितिन सिंघानिया की ना देखो एक और खास बात क्या है कि आपको ना अलग से करेंट अफेयर अगर तैयार करना है ना, तो पूरे एक साल जो आजकल कंटेम्प्रेरी अफेयर आता है, क्योंकि तो पूरे एक साल का जो करंट अफेयर है ना वो नितिन सिंघानिया में ऑलरेडी दिया होता है। इस तरीके से जैसे देखो जो भी क्वेश्चंस जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर में पूछ रखे हैं ना, वो सारे क्वेश्चन ना अगर नितिन सिंघानिया के बुक में नहीं होते तो वो इन बॉक्सेस में ऐड कर दिए जाते हैं। ये तो ये इसकी एक थोड़ी स्पेशल बात है कि अगर आप चाहते हो कि आपका एक ही साथ सब कुछ हो जाए ना, कि आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सारे सॉल्व कर लो, तो जो भी क्वेश्चन होते हैं ना जो प्रीवियस ईयर में कुछ न्यू होते हैं वो सारे इस बॉक्सेस में दे दिए जाते हैं, और जो करंट अफेयर होते हैं ना वो भी इस बॉक्सेस में ही होते हैं। तो जैसे ये तो चलो पॉवर्टी का चैप्टर है, थोड़ा मेन प्रोसेस है, ये जो है इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन मैंने आपको अभी रमेश सिंह में दिखाया था, आप यहां पर इन्फ्लेशन देख सकते हो। देखो जो चैप्टर शुरू होता है सबसे पहले इन्फ्लेशन के थोड़े इंट्रोडक्शन, उसके बाद डायरेक्ट यहां शुरू होता है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन से, फिर उसके बाद पॉइंट वाइज में सारे इन्फ्लेशन के टाइप्स यहां पर दे रखे हैं ये। फिर देखो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया। तो इस तरीके से जो टेबलर फॉर्म है ना, देखो यहां पर चीजें टेबल में दी गई हैं और थोड़ी कलरफुल है, आपको दो कलर यहां पर मिल रहे हैं। तो देखो चीजें यहां पर टेबल में समझाई गई हैं, जो आप थोड़ा हो सकता है रिवीजन अच्छे से कर सको। यहां पर देखो चीजें ना टेबल में अच्छे से समझाई गई हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, देखो अगर आपको पैराग्राफ आप पढ़ सकते हो तो आपके लिए रमेश सिंह भी काफी बेहतर बुक है। लेकिन अगर आपको पॉइंट पढ़ने में अच्छा लगता हो, या आप चाहते हो कि यार मेरे लिए पॉइंट वाला बुक सही हो जिसमें नोट्स बने हो एक तरीके से, तो आप चाहो तो नितिन सिंघानिया ले सकते हो। रमेश सिंह में आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, और नितिन सिंघानिया में आपको ऑलरेडी नोट्स बने हुए मिलते हैं जो कि आप पॉइंट वाइज फॉर्मेट में बार बार रिवीजन कर सकते हो। फिर देख रहे हो यहां पर आप ये जो बॉक्सेस देख रहे हो ना, ये बॉक्सेस में जो अलग से कोई करंट अफेयर की चीजें है ना, अगर मैं आपको ना न्यू इसके एडिशन दिखाऊं, तो देखो जो नया वाला एडिशन है ना उसमें क्या ऐड हुआ वो मैं दिखा देता हूं आपको। ये इसका बिल्कुल न्यू एडिशन है नितिन सिंघानिया का, और अगर आप इसमें देखोगे तो सबसे पहले तो यहां पर मैं दिखाऊं तो कितने चैप्टर ऐड हुए हैं। तो देखो ये वाले जो है वो न्यू टॉपिक्स हैं जो कि फोर्थ एडिशन में आए, मतलब हर एक चैप्टर के अंदर कौन कौन से न्यू टॉपिक हैं, तो ये सारे चैप्टर्स के अंदर न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं। यहां पर सारे लिख रखा है, देख लो आप यहां पर चैप्टर नंबर फर्स्ट लेके चैप्टर नंबर 27 तक कि हर चैप्टर के अंदर क्या क्या ऐड हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ना, तो कुछ न्यू चैप्टर्स भी ऐड होते हैं। जैसे अगर यहां पर आप देख सकते हो, ये मैं अगर दिखाऊं आपको, तो जो जो न्यू चैप्टर्स है ना वो यहां पर लिखा होता है। देखो ये वाला जो है चैप्टर नंबर 10th, इसके आगे देखो लिखा हुआ है न्यू चैप्टर्स। तो इसी तरीके से ना जो जो चैप्टर न्यू ऐड हुए हैं ना, जैसे अगर यहां पर आप देखोगे ये चैप्टर नंबर 25th, यहां पर देखो लिखा हुआ है न्यू चैप्टर। तो कई सारे चैप्टर भी ऐड है, लेकिन इसमें टॉपिक वाइज चीजें मतलब दे रखी है यहां पर कुछ जो जो ऐड हुआ इस एडिशन में। देखो यहां पर लिख रखा है 3 न्यू चैप्टर्स यहां पर, और वो न्यू चैप्टर्स का नेम भी है यहां पर। अब अगर मैं आपको न्यू एडिशन की कुछ खास बात बताऊं ना, तो देखो सबसे पहले न्यू वाले जो एडिशन में वो क्या मेन चीज है, जो भी चीजें इस साल आई है करंट अफेयर में या जो इकोनॉमिक सर्वे में आई है, वो चीज ना यहां पर देखो बॉक्स में बना के दे दिया गया है। मतलब अगर आप इकोनॉमी के करंट अफेयर की टेंशन नहीं लेनी चाहते, तो आप ना ये बॉक्सेस में जो एक्स्ट्रा मटेरियल दे रखा है ना यहां पर, कि जो चैप्टर के देखो यहां पर जो है जो बॉक्सेस में बना के दे रखा है अलग से, ये जो करंट अफेयर की चीजें है ना वो यहां पर बॉक्सेस में दे दी गई है। तो ये मुझे इसका काफी अच्छा लगा, और यहां पर आप देख सकते हो कलरफुल बुक है, दो कलर में है, तो पढ़ने में भी आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यार मेरा तो ये मानना है कि अगर आपको पैराग्राफ आप पढ़ने में कंफर्टेबल हो तो आप रमेश सिंह ले सकते हो, आप उसमें मेंस के भी मटेरियल काफी अच्छे हैं। लेकिन मेंस और प्रीलिम्स के सारे टॉपिक्स को नितिन सिंघानिया भी कवर करते हैं, और इसमें चीजें पॉइंट वाइज है, तो अगर आपको पॉइंट पढ़ना अच्छा लगता हो तो आप नितिन सिंघानिया ले सकते हो। और इसमें एक चीज मैं जरूर कहूंगा जो उससे एक्स्ट्रा है रमेश सिंह से, वो है इनके बॉक्सेस के अंदर जो करंट अफेयर ऐड हुआ है ना, ये चीज उनसे एक्स्ट्रा है। रमेश सिंह के अंदर सारे करंट अफेयर ऐड नहीं है, लेकिन इसके अंदर मुझे लगता है लगभग 1 से 2 ईयर के सारे करंट अफेयर ऐड है, वो भी बॉक्सेस में, और साथ में हर एक चैप्टर में ही इकोनॉमिक सर्वे में जो जहां पर डेटा है, जो जहां पर चीजें हैं, वो सारी चीजें यहां पर बताई गई है। जैसे अगर आपको मैं इसके लास्ट में दिखाऊं ना,
तो देखो इस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे के डेटा यहाँ पर दे दिया गया है कि 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे में हो गया या 2021-22 का कंपेयर करके भी लास्ट में आपको बता दिया गया है। देखो यहाँ पर टॉपिक ही लास्ट में डाल दिया गया है चैप्टर के पीछे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक सर्वे 2022 एंड 23। मतलब जो भी उसके अंदर फैक्ट्स है ना उस चैप्टर के इकोनॉमिक सर्वे में, वो सारी चीज यहाँ पर समझा दी गई है। तो आपने देख लिया होगा ये बुक कैसी है, तो ये थोड़ी कलरफुल भी है। तो यार मुझे ऐसा लगता है कि जो नितिन सिंघानिया की बुक है ना, अगर आपको नोट्स बनाने की टेंशन नहीं लेनी है तो नितिन सिंघानिया की बुक ले लेनी चाहिए, और काफी अच्छी बुक हुई है। और अगर आपको लगता है कि आप नोट्स बना सकते हो खुद से पैराग्राफ पढ़ के, तो आप रमेश सिंह की बुक मतलब प्रीफर कर सकते हो। दोनों बुक काफी ब्रिलियंट है, दोनों बुक काफी वेल नोन है यार। तो आप किसी भी बुक को पढ़ना चाहो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक बार आप दुकान पर जाके देख लो दोनों बुक को, और जिसमें भी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो वो बुक आप एक ही बुक को बस पढ़ो, लेकिन बार बार रिवाइज करो, बस मैं यही कहना चाहूंगा। तो यार अगर आपको और भी किसी बुक या और भी किसी कोचिंग सेंटर्स वगैरह या नोट्स वगैरह की वीडियो चाहिए यूपीएससी के, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना कि अगली वीडियो आपको किसकी चाहिए। और इसी तरीके की वीडियो की यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।